नमस्कार, मैं हूं निखिल और बेबाक सवाल में इस वक्त मेरे साथ हैं पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित। दुर्ग सिंह राजपुरोहित को आज इस मंच पर लाने का मकसद ये है कि कलम की दुनिया में जो लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं उन्हें परेशानियों से किस तरह गुजरना पड़ता है उसकी एक जीवंत दास्तान है दुर्ग सिंह राजपुरोहित। दुर्ग सिंह राजपुरोहित बाड़मेर के एक छोटे से गांव से आते हैं, अपनी पत्रकारिता की यात्रा शुरू करते हैं, कई मुश्किलात से वो गुजरते हैं, लेकिन इस बीच कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते या कुछ आप यूं कह दीजिए कि कुछ राजनीतिक लोगों पर उनकी खबरों से बिलबिलाकर लोगों ने उनके ऊपर कुछ झूठे मुकदमे दर्ज किए, वो भी राजस्थान में नहीं बिहार में जाकर। बाड़मेर के तत्कालीन एसपी के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। उस मैसेज की ये कॉपी मेरे पास है। महज इस एक व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर पत्रकार दुर्ग सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पटना ले जाया जाता है और जेल में रखा जाता है। पत्रकार दुर्ग सिंह जब निकलकर बाहर आते हैं तो वो कानून के साथ अपनी एक जंग को लड़ रहे हैं। उस जंग के साथ वो दिखाना चाहते हैं कि कानून किस तरह से एक पत्रकार के साथ किस तरह से अपना रवैया रखती है। और अगर एक पत्रकार की स्थिति ये है जो आम आदमी की एक आवाज़ बनकर आपके सामने आता है और जब उसके साथ ये होता है तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा, ये एक सोचने की बात है। आज मेरे शो में दुर्ग सिंह के साथ हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जिनकी वजह से दुर्ग सिंह को पटना की जेल में रहना पड़ा। हम उस पर भी बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हम दुर्ग सिंह से ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी कलम में ऐसा क्या लिख दिया कि उनके कई दुश्मन खड़े हो गए। हम दुर्ग सिंह से बेबाकी से जानना चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि वो बेबाक हमें इस बात को बताएंगे कि किस तरह से उनकी कलम को जगह जगह पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुर्ग सिंह जी, एक बात बताइए कि जब आपने पत्रकारिता शुरू करी होगी तब शायद आपके जहन में ही रहा था होगा कि पत्रकारिता जो है एक, आपको क्या लगा, एक बहुत ही चार्मिंग प्रोफेशन है या आपको लगा चैलेंजिंग प्रोफेशन? आप आए कैसे इस पेशे में? सर, मैं अखबार मारता था। मैंने चौटन के, आप ये समझिए कि मिठड़ाऊ से लगा के बॉर्डर के एसकेटी के। हम दर्शकों को बता दें कि हम जिस पत्रकार दुर्ग सिंह की बात करते हैं ये राजस्थान के एक रेगिस्तानी सरहदी और सीमांत इलाके से आते हैं। सफ़र आसान नहीं है। दुर्ग सिंह आज पत्रकारिता के अंदर अपना जो एक मुकाम बनाए बैठे हैं, कभी वही दुर्ग सिंह अखबार की होकर होते थे, ग्रामीण इलाकों में वो अखबार बांटते थे और वहाँ से दुर्ग सिंह आज कई देश के प्रतिष्ठित टीवी चैनल के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं की कहानी को लगातार इन्हीं के मुंह से हम सुनते जाएंगे। जी, अब बताइए कहाँ से? तो हालांकि मेरे पिताजी जो है वो सरकारी नौकरी में हैं, हम, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं अखबार बांटूँ, लेकिन मुझे क्रेज़ था कि अखबार की दुनिया क्या है और कैसे हम उन मजदूर जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। अखबार बांटे सर चौटन में, तो सुबह 4 बजे उठता था और पूरा जब बॉर्डर देख के आता था तो सीमावर्ती लोगों के तकलीफें उनकी दिखती थी और सीमा सुरक्षा बल की जो चौकियाँ थी वहाँ मैं अखबार रखता था, तो वो BSF के जो लोग थे वो भी वहाँ में तकलीफें बताते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये सीमा सुरक्षा बल के लोग जो पाकिस्तान सरहद पर जो लोग बैठे हैं ये एक पत्रकार से भी उम्मीद रखते हैं। ये कलेक्टर के पास ज्ञापन लेके नहीं जा सकते, MLA MP को नहीं कह सकते, ये वहाँ के जहाँ पर भी वो रह रहे हैं सरपंच वगैरह उनको नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं क्या पता है इनके मार्फत थोड़ा हो जाए। बाड़मेर में आया, ग्रामीण संवाददाता बना दैनिक भास्कर में, वहाँ से एक जनता सहकार अखबार हुआ करता था क्योंकि उसमें कटिंग के आधार पर, वो इंच के आधार पर पैसे मिलते थे। वहाँ पर मुझे कहा कि मैं आपको 2500 रुपये 3000 रुपये दूँगा। उस वक्त बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और उसमें लोकल अखबार का प्रतिनिधि बनने के नाते। ये देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जिनको ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में टीवी के सुनहरे पर्दों पर ये जो पत्रकार आपको बोलते हुए दिखते हैं इनकी ज़िंदगी बड़ी एक्शन लाइट कैमरा के बीच में रहती होंगी फील्ड में, लेकिन आप देखिएगा कि इस पूरी मुलाकात में, इस मुलाकात को आप खास मानिएगा क्योंकि ये पहली बार बेबाक सवाल के मंच पर मैं आपको उस पत्रकार से मिलवा रहा हूं जो ये जानता है कि वो कहां से उठा है, उसका दर्द क्या है, उसकी तकलीफ़ क्या है, उसकी आंखों में सपने क्या थे। मुझे याद है उस ज़माने में कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, बाड़मेर के अंदर मेरी कर्म भूमि रही और मैं यहां था, और अगर ये वहां से कहीं प्रेरित होता है और आता है तो उसकी आँखों में एक सपना था, लेकिन वो सपना आज जब वो अपनी यात्रा शुरू करता है और आज 15, 16, 17 साल की पत्रकारिता करने के बाद वो उस पत्रकारिता को कैसे देखता है, पत्रकारिता के पैसे में किस तरह से बदलाव आया है, इसके सपने क्या थे और वो दिशा इसको ले किस तरफ गई, ये सब क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि वो पत्रकार जो दुनिया में
आम आदमी की एक आवाज़ बनता है, आम आदमी के दर्द को वो पर्दों पर और अखबार के पन्नों पर दिखाता है, लेकिन खुद उसका दर्द कभी किसी कैमरे के सामने नहीं आता। इसलिए मैं ये पहली शुरुआत कर रहा हूँ उस पत्रकार के इंटरव्यू के साथ, ताकि लोगों को वो सच पता चले कि पत्रकार जब अपनी पत्रकारिता के पेशे में आता है, वो जब फील्ड में काम के लिए उतरता है, जिन तकलीफ़ों से, जिन हालातों से वो जूझता है, और उसके बाद अपनी पत्रकारिता के उन आदर्श, सिद्धांत और मूल्यों के साथ वो किस तरह से अपनी कलम को चलाता है, ये बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है आज के इस दौर में। इसीलिए इस इंटरव्यू को मेरे लिए बहुत लाजमी है कि मैं आपको ये बताऊँ कि इसको जानना होगा कि एक पत्रकार की स्थिति आज फील्ड में क्या है, वो पत्रकारिता को कैसे देखता है और पत्रकारिता को आप लोग कैसे देखते हैं, ये जानना जरूरी है। जी इस बीच मुनाबाव जाना होता था सर, थार एक्सप्रेस की नई पटरियाँ बिछनी शुरू हुई, पाक विस्थापित की लोगों के लिए कैंप लगनी शुरू हुई, आपके साथ भी कई बार चला, अच्छा लगा, उस वक्त खबरें चपती थी। आपको नहीं लगता दुर्ग सिंह जी कि जब पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं, पत्रकारिता जो एक मिशन हुआ करता था, एक बदलाव की बात होती थी, उन शब्दों में क्रांति झलकती थी, आपको लगता है कि इस मौजूदा दौर में भी आप उसी तरह की पत्रकारिता की बात करेंगे, उसी सिद्धांतों की बात करेंगे, तो फिर पटना की जेल ही मिलेगी आपको? सारे जो गुंडे मवाली जो हैं उनको आप आज़ाद कर दो, ये जो भले लोग हैं इनको जेल में डाल दो, क्योंकि अब ये दुनिया भले लोगों में नहीं रही है, बहुत कम लोग बचे हैं जिनको जेल में डाल दो, ठीक है, ताकि वो वहाँ शांति से रहें। आप साजिश करें कोर्ट के जरिए, मैं लड़ रहा हूँ ना, जेल जाके आया हूँ, उसके बाद भी जिस दिन जेल से छूटा दूसरे दिन कैमरा और माइक लेके आ गया, क्योंकि मेरा वो काम है, और मैंने संघर्ष को और जेल जाने तक को एक पार्ट ऑफ जॉब, एक उसमें कॉलम लगा के छोड़ दिया है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है कि जो लोग मुझे मेरे घर से, मेरे बूढ़े माँ बाप से, मेरे दो बच्चियों से, वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर मुझे पटना की पहले पीर बहोर थाना है, उसकी अवालात में एक शराबी था और एक दो लोग थे, उनके साथ मुझे फेंका जाता है हथकड़ी वथकड़ी लगा के। अरे यार हद हो गई सर, क्या बात करते, मैंने ये कलम हथकड़ी पहनने के लिए उठाई थी, मेरा क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरा एक जीआरपी का मामला चल रहा था, राजगा ने बता मुझे 22 बरी किया गया सर, तब मुझे उम्मीद लगती है कि मुझे 8 साल एक जीआरपी के मामले में संघर्ष करने में लगे, और अभी मुझे लगा अभी अपडेट ये है कि वो हाईकोर्ट में चले गए, मैं वहाँ भी लड़ रहा हूँ। वजह क्या, एक पत्रकार को पीट रहे थे हम वहाँ पर विरोध करने गए कुछ दिन पहले, वहाँ पर जब ट्रेन आई तब छात्रों के साथ मारपीट हुई, डंडे बरसा दी, हमने खबर छापी और पूरी पूरी कार्य योजना बन के तैयार थी, वैसे वैसे ही अब हुआ, मुझे पीर बवर थाने में डाला गया, उसके बाद मुझे नहाने की भी, मैंने कहा मुझे नहाने दो, मैं यहाँ बहुत उमस एक्चुअली बिहार में नदियाँ हैं आसपास, तो मेरे पिताजी बुजुर्ग, बड़ा दुख होता है सर, तब लगता है कि पत्रकारिता संघर्ष मैं करूँ, मेरे माँ बाप क्यों करें, तब कहीं ना कहीं लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, कोई एक किराने की दुकान लगाओ बैठ जाओ, और हमारे तो हलवाई वाला काम है। मुझे दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ पर पटना गांधी मैदान बम धमाकों के आरोपियों के साथ मुझे बिठा दिया गया, वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये कौन? एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते आपने तमाम क्राइम की खबरें की होंगी, लेकिन जब आप खुद थाने में थे और अपनी बात को कह रहे थे और पुलिस जैसे सुन रही थी, जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, उस वक्त मन में क्या चल रहा था? मन में यही चल रहा था कि जिस सिस्टम को बदलने की, जो गलत चीज़ें हैं उनको बदलने की चाहत लेकर इस क्षेत्र में आए, और पुलिस के लिए एक क्राइम रिपोर्टर सिर्फ क्राइम रिपोर्टर नहीं रहता, वो पुलिस के साथ उठता बैठता है, यहाँ तक कि उसके साथ उसकी मैस की रोटियाँ भी खाता है, साथ उठता बैठता है अच्छी तरीके से, गोला गुलंदसी। लेकिन जब ये सारा व्यवहार हुआ, यहाँ बाड़मेर की पुलिस मुझे उठा के ले गई, हेड कॉन्स्टेबल ने मेरे से इनोवा गाड़ी के 85,000 रुपये से लगभग वसूल किए, 2,042 किलोमीटर शायद बनने थे, 15
रुपए और खाऊं दारू खर्चा सारा कुछ। मैं टोकना चाहूँगा, जब पुलिस ने आपको पकड़ा एसपी ऑफिस से, आपको ग्रामीण थाने ले जाया गया और वहाँ से चूंकि आपको पटना में पेश करना था, तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है आपको पेश करें? नहीं, पटना से पुलिस आती मुझे संबंधित थाने में, लेकिन चूंकि कोर्ट से आया तो, लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा कोई व्यक्ति नहीं भेजा गया। क्या व्हाट्सएप के आधार पर, एक मैसेज के आधार पर जो अच्छी तरह दिख भी नहीं रहा है, आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? पुष्टि तो करिए ना। नहीं, हमने मान लिया आपको गिरफ्तार कर लिया गया होगा, लेकिन गिरफ्तार करके आपको बिहार तक ले जाने की जो यात्रा थी वो तो सरकारी स्तर पर ही होनी चाहिए थी। बिल्कुल। वो कैसे हुई यात्रा फिर? मेरे को ग्रामीण थाने में जब पकड़ा तो मुझे कहा कि अब चलोगे गाड़ी लेके आओ, तो मैंने कहा गाड़ी तो हमारे पास, चूँकि मेरे घर पे मेरे भाई के पास बोलेरो गाड़ी है, तो हमने कहा हमारे पास बोलेरो है, तो बोलेरो में पहुँचते पहुँचते 5 दिन लगेंगे, उसके बाद छुट्टियाँ आ रही हैं, मर जाओगे। अच्छा, पुलिस आज पे दबाव भी बनाई जा रही थी कि आप तुरंत कुछ हम जो कहें वैसे करें, नहीं तो और दिक्कत में आ जाए। और उसके बाद जैसे हम रवाना हुए तो मैंने कहा मेरे कुछ कागजात, इतना दूर जा रहा हूँ, मेरी मार्कशीट, मेरा आइडेंटिटी कार्ड कुछ तो दो, मैं पजामा पहन कर जो रेगुलर यूज़ में घर पे बैठा था वहाँ से आया, आपने सीधा मेरे पापा ने कहा इसलिए मैं यहाँ तक आ गया, कुछ तो वैसा बताए, लेकिन नो। फिर मैं वहाँ पहुँचा घर, पुलिस वहाँ पहुँची मेरे साथ गई, तो मुझे खाना खाने से पहले कहीं शराब बीयर की व्यवस्था करिए। ये कहाँ का मामला है? मेरे घर के अंदर, जब मैं मेरे को पुलिस मेरे घर पे, मतलब आप समझिए कि गिरफ्तारी का वक्त आपके सामने है, 6:30-7 बजे हम मेरे घर पहुँचते हैं और रात को 12 बजे तक पुलिस मेरे घर रहती है। स्थिति हम इस पे आते हैं। चलिए, आपको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब रवाना होने के से पहले पुलिस आपको लेकर आपके घर गई यहाँ लंगेरा में, क्यों? मैंने कहा कि मुझे मेरे कुछ कागजात लेने दीजिए साथ, कुछ घर में मेरे माँ बाप, जो माफ़ करें, मेरी मदर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के दूसरे सदस्य, वो सारे लोग हैं, तो कम से कम आप हमें इस तरीके से यहाँ से ले जा रहे हैं और मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, तो कपड़े तो लत्ते लेने दीजिए। हम उसके बाद रात को 12 बजे रवाना हुए सर, 12 बजे के बाद रात 18 तारीख की पूरी रात, 19 तारीख, 20 तारीख की रात को 10 बजे हम पीर बहोर थाना, जो मैंने पहले जिक्र किया, गांधी मैदान पटना, वहाँ पहुँचे। रात भर मैं हवालात में रहा, कुछ मेरे साथ में इस बीच में, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप पुलिस, अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है ना, वो जो जहाँ पे पेट्रोल पंप पे हमने फ्यूल भरवाया वहाँ के शायद दस्तावेज है, लेकिन नहीं करते। टोल के जो नाके हैं वहाँ पर पुलिस पूरी इनोवा गाड़ी मेरे से वसूल करवाई, और एक वो दरअसल जो व्यक्ति था वो पुलिस के द्वारा जो ऐसे इस तरीके से मामले होते हैं और इधर उधर जाने के लिए जो कुछ होता है, वो उनका पहले से ऑलरेडी सेट था मामला कि हमें किस व्यक्ति को ले जाना है साथ, तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग गया था। तो कुल मिला के ये रहा कि पुलिस ने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार किया, फिर आप ही के खर्चे पर एक लग्जरी कार ली गई, आपने उनके लिए तमाम सुविधाएं दी जिसमें शराब, खाना, सारा इवन सिगरेट, ब्रांडेड सिगरेट भी, कि जहाँ अच्छी जगह देखी होटल, वो आई वी पी अच्छी होटल होती। तो इस तरह से आपको पटना तक ले जाया गया? हाँ, जब मुझे बेऊर जेल में शाम को लेट हो रहे थे, गाड़ी जानबूझ धीमे चला रहा था, वो तो पूछा कि भाई क्यों कर रहा है ऐसे, तो कहा कि कुछ खराबी आ गई है, ताकि शाम के बाद, मतलब वो उस दिन बैरक में नहीं भेजा जाता, फिर दूसरे दिन गया था, उसको बाहर एक आमद कहते हैं, मारा खा जाता है, बड़ी गंदी जगह होती है, तो मुझे जानबूझ मैं पैदल भागा, मैंने कहा जेल, तो ये मेरे पीछे भागे वहाँ से, ताकि मैंने मैं जेल पे पहुँचूँ जल्दी, ताकि एक दिन जो है वो मेरा ख़राब ना हो। ये मेरे पीछे पीछे भागे वहाँ गया, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। फिर रात को आमद में रहा, दूसरे दिन मुझे वहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया 4/20, और वहाँ पे मैं कई सारे कैदी थे उनके साथ। तो जब आपको आमद पे ले जाया गया, आपको वहाँ पर सुपुर्द कर दिया गया उस जेल में, और फिर अगले दिन आपको बैरक में डाल दिया गया, दुर्ग सिंह जी एक बात बहुत संजीदा से बताइएगा कि एक पत्रकार होने के नाते शायद ये पत्रकार उम्मीद नहीं करता कि जब वो एक सच्चाई पे लिखेगा और जब सच्चाई की राह पर चलेगा तो उसमें ऐसी मुश्किलात आएगी जिसमें खुद वो नहीं, उसका पूरा परिवार एक तकलीफ में आ जाएगा। तो क्या लग रहा था उस वक्त आपको, अपनी पत्रकारिता के उस सपने को आप
जो सच करने की मुहिम आपने स्टार्ट की, तो क्या उस सपने को अच्छा लग रहा था, आपका पत्रकारिता माना अच्छा लग रहा था, या उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? मेरे सामने एक ही सवाल था सर, मेरे सामने एक ही सवाल था। आप उस जगह पे महसूस खड़े होकर कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसको ये पता नहीं कि उसने अपराध क्या किया है, जिस जगह उसे ले जाया जा रहा है वहाँ वो कभी गया नहीं, आसपास के इलाके में दिल्ली तक जा चुका हूँ, महाराष्ट्र, थोड़ा दक्षिण भारत भी, ऊपर लेकिन बिहार कभी जाने नहीं हो, नेपाल बॉर्डर क्यों जाऊँ मैं? और मैं लगातार सक्रिय हूँ, एनी टाइम मेरी प्रेजेंस जो है वो बाड़मेर में है, मैं डेली फेसबुक पे 20-25 पोस्ट लिखता हूँ, लाइव करता हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी सहायक भी रहा जब मैं अपने आप को लोगों को कम से कम ये बता पाया कि मैं निर्दोष हूँ। तो ये पहली साजिश तो नहीं लगता कि मैं आपके आई कार्ड तमाम देख रहा हूँ, आपकी जितने भी इलेक्शन कमीशन का आपका जो आई कार्ड है उस पर भी आपका नाम दुर्ग सिंह राजपुरोहित लिखा है, आपका गांव लंगेरा बताया जाता है, आपके पिताजी का नाम यहाँ लिखा गया है गुमान सिंह राजपुरोहित, आप लंगेरा बाड़मेर के रहने वाले हैं, लेकिन जब हमें आपकी पहली जो गिरफ्तारी जो हुई यहाँ बाड़मेर में उस पर आपका नाम दुर्ग सिंह सन ऑफ गुमान सिंह जाति राजपुरोहित है ना और निवासी लंगेरा दिखाया जाता है, लेकिन दुर्गेश सिंह के नाम से ऑर्डर निकले और दुर्ग सिंह को ले जाया गया। फिर आप अपनी आरटीआई में आते हैं, आरटीआई में आप नीचे लिखते हैं, इस कॉलम में आपके नीचे साफ लिखा है कि मेरा नाम दुर्गेश सिंह नहीं बल्कि मेरा नाम दुर्ग सिंह है। क्या व्यक्तिगत ऐसा रहा होगा, ऐसा क्या पटना से कनेक्शन आपका जुड़ा होगा कि बाड़मेर जैसे एक सरहदी इलाके में रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार बिहार की जेल तक पहुँच जाता है? आपने किसने आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया वो भी पता नहीं, कहाँ से ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया इसका पता नहीं, तो बाड़मेर के तत्कालीन एसपी को ऐसी क्या जल्दी लग रही थी कि बिना किसी जांच के बिना किसी पड़ताल के एक पत्रकार को, और फिर जिस तरह से आपको ले जाया गया कि आपसे अपनी एक लग्जरी कार मांगी गई, उसमें पैसा खर्च किया आपके परिजनों ने, रास्ते में आपने उनके तमाम शराब और सिगरेट की व्यवस्थाएं भी आप करते गए, एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते आप बहुत सी अपराध के लिए लिखते गए, लेकिन जब खुद अपराध की उस सारी उन जगहों से गुजर रहे थे, पुलिस की उस कार्रवाई से गुजर रहे थे, क्या लग रहा था दुख सिंह जी, मैं वो जानना चाहता हूँ। लग रहा था कि सिस्टम जो है वो किसी भी व्यक्ति को, हम ये कहते हैं कि संविधान बना हुआ है, कानून है कुछ, और कानून की जो व्यवस्था निर्धारित है उसके अनुसार चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, इसमें जो सारी बातें अब तक सामने आई, राजनीति, पुलिस, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये मिलकर किसी को भी जो टारगेट पे उसको, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि आपकी पुलिस वालों के साथ बहुत नज़दीकी दोस्तियां रही हैं। बिल्कुल, मैं तो हालांकि ये चीज़ें मैंने कई बार मानवीयता के नाते पुलिस कर्मियों से सहानुभूति रखी कि ये लोग हार्ड वर्कर हैं। हाँ, मुझे पता था कि ये लोग, आपको एक दिन जब गिरफ्तार करके थाना ही ले जाया जाता है और आपकी कुछ सोशल साइट पर देखने पर यह भी लगता है कि उन्हीं थानों पर थाना अधिकारियों के जन्मदिन पर आप केक काट रहे हैं, तो लग रहा था कि कहीं प्रेस और पुलिस का या प्रेस और वर्दी का कहीं कहीं कलम का और खाकी के साथ एक दोस्ताना व्यवहार, तो शायद उस वक्त लोग ये सोचते होंगे कि यार जब एक कलम ने खाकी के साथ दोस्ती कर दी तो उनके हक में कब क्या लिखेगी। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब उस वक्त के जो गल्होत्रा साहब जो डीजी थे वो हुए, राघवेंद्र सुभाषा जो जोधपुर रेंज के आई थी, हालांकि ये सारी बातें सामने आई कि पहले एक बार ये नोटिस आया था, तब गगनदीप सिंगला आईपीएस जो अभी तत्कालीन अभी वर्तमान में नागौर में है बंदे स्थापित, तो उसको रिटर्न किया गया उस चीज़ को। वाई रिटर्न क्यों किया गया? साजिश तन, ताकि अगली बार और ज़्यादा कोर्ट में वो उनको पता था कि सारा कुछ विकट, और इसमें राजनीति है पूरी तरीके से प्रभावित है। बिहार तक को इसमें जिन लोगों का नाम आ रहा है उनको गुमराह किया गया कि आपके नाम को मिसयूज हो रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, आपके किसी के साथ कोई तथाकथित रिश्ते तलाशे जा रहे हैं। मेरी एक पोस्ट तो बताए या मेरी एक कोई खबर तो बताए जिसके आधार पे कोई ये कहे कि आपने किसी की निजी ज़िंदगी को खंगाला, या फिर आपने
उसके बारे में कुछ लिखा। चर्चाएं आम होती हैं और उन चर्चाओं में शरीक होकर सुन लेना ये गुनाह नहीं है। तो मैं भी उन दर्शकों में और उन श्रोताओं में था, लेकिन मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसमें कुछ लोग जो लोग बाड़मेर के अंदर अपनी राजनीति को स्थापित करने के प्रयासों में सर जो लगे हुए हैं ना, उन्होंने इसका सहारा लेकर एक तरीके से अपनी करतूतों को छिपाने के प्रयास किए हैं। सीडी बनाया गया है किसी को। तो एक चीज़ और जानना चाह रहा था दूसरी जी, बताइए कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं लंबे समय से इस बाड़मेर रेगिस्तान में, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपकी अदावत क्यों है, आपकी लोकल लोगों में होगी, बताइए ना। आप क्या ऐसा लिखते हैं? मैं लिखता हूँ जो मुझे दिखता है। क्या दिखता है? मुझे जो दिखता है कि गलत हो रहा है। सारे लोग कहते हैं कि आपको पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखती, पॉजिटिव चीज़ें नहीं लिखता। आप भी तो मेरी ऐड है ना सर, या मेरी खबरों में आप भी कभी कभार देखते होंगे ना। नकारात्मकता मैं पत्रकार हूँ क्यों नहीं दिखाऊंगा सर? जो सिस्टम ने जो अच्छा कर रहा है वो उसका जिम्मेदारी है, लोगों ने चुनकर भेजा है सर। पुलिस की जिस नकारात्मकता को आप आज तक दिखाते रहे हैं, जब खुद उसी दौर से गुजरे, तो आपको लगा कि आप जो लिखते थे वो सही था? पहले भी जानता था सर, अच्छी तरीके जानता था, लेकिन कुछ अच्छे पुलिस अधिकारी भी है सर, ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा, वरना सिस्टम चलता नहीं। लेकिन ज़्यादातर शिकार ढूंढते हैं सर, ज़्यादातर, क्योंकि उनकी चैन जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी है, उनको करना पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि आप कई बार कलम लिखते वक्त कुछ इस तरह से तीखी कलम लिखते हैं कि लोगों को चुभती है। हाँ, ये कहते हैं कि भाई आपके जो शब्द है वो थोड़े से अशोभनीय। मैंने कहा अशोभनीय कैसे? किसी को गुंडा कहना, मवाली कहना, या जो हिंदी में शब्द है उसका उपयोग तो करता हूँ। इतनी बेबाकी से क्यों लिखते हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई लिखेगा तब कुछ होगा, एक ना एक साथी मिलेगा, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं है जो मेरे साथ रहे। मैं किसी और के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता। आपकी अक्सर आखिर आपकी मिशन क्या है? मिशन मेरा यही है कि मैं पत्रकारिता करता रहूं, और मेरी पत्रकारिता में कभी भी किसी भी तरीके से ये ना हो कि मैं किसी का प्रवक्ता बन के बात करूं, या फिर मैं किसी के लिए प्रचार करता फिरूं, या मैं लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं। अभी ये चुनावी दौर चल रहा है, मेरी फेसबुक पोस्ट पे मुझे हज़ारों लोग जो है वो मुझे कहते हैं कि आप कांग्रेस के दलाल हो। मुझे गाली देने वाले पहले ये सोचे, मेरे शब्द देखने वाले, पढ़ने वाले, आकलन करने वाले देखे से वो क्या लिख रहे हैं। कि आप जो लिखते हैं उससे विवाद पैदा होता है, या विवाद पैदा करने के लिए आप लिखते हैं? पुलिस कर्मचारी जब ट्रैफिक में खड़ा रहता है और अगर उसकी छाया नहीं है तो उसके लिए भी लिखते हैं ना, उसके लिए भी पोस्ट करते हैं ना कि बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए, अभी थोड़े दिन की पहली बात कर रहा हूँ, पुलिस की बात आपको पता है दुर्ग सिंह जी, हम आपको इस शो में क्यों दिखा रहे हैं जी? क्योंकि आपने वो दिखाया जो आम आदमी की आवाज़ है, आपकी आवाज़ को किसी ने दिखाया? आप दिखा रहे हैं ना, आप जब उस आमद में रहे, आप जब जेल में रहे, बड़े बड़े मच्छर बिहार की जेल में थे जी, बदबू बहुत रहती क्योंकि वो सीवरेज सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए जब आप धरती पे पैर रखते तब गंदगी होती इतना इतना। तो उस वक्त से ये लगा होगा कि यार मैं ये पत्रकारिता क्यों कर रहा हूँ जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया, या तब इरादा और मजबूत हो गया कि मुझे अब और मजबूती इसके साथ? मैंने सर बताया आपको कि मैं जब जेल से रिहा होकर आया, मैं रात को घर जाकर सोया माँ बाप के पास, अपने बीवी बच्चों के पास, और दूसरे दिन 9 बजते ही मैं अपने ऑफिस पहुँचा और पहली कवरेज करने के लिए मैं गांधी चौक पहुँच गया। ठीक है, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, अब भी दे रहे हैं। जो लोग आलोचक हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या लगा जब आप वहाँ से जेल से भी आए हैं, मामला आपका भी प्रक्रिया में है, न्यायालय में विचाराधीन है, आप इस केस को लड़े जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कि आप इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, लोगों ने आपको कैसे लिया? मैं आलोचना लोगों की नहीं करना चाहता, फिर भी ये चीज़ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई घटनाक्रम होता है ना जब, तो लोग उस वक्त बड़े अब अन्ना के आंदोलन से लगा के सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद जब बात आती है कि अब क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति को आपने किसी को शिकार को बचा लिया किसी के हाथों से, और वो घायल अवस्था में पड़ा है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी खोज खबर नहीं लेते, तो इससे बढ़िया था वो उसी वक्त मर जाता है। ये मामला है, लोग खोज खबर नहीं लेते वापस, कुछ लोग लेते हैं। आप लोगों की आवाज़ बने रहे,
आज आप अपनी आवाज़ कोई कैमरे के सामने कह रहे हैं, सच बताइएगा क्या लगता है? जब आपने मुझे काफ़ी टाइम पहले कहा था ना कि ऐसा कुछ करना है, मुझे सच बताऊँ तो मुझे लगा कि आप मेरा उपवास उड़ा रहे हैं। स्पष्ट कह रहा हूँ आपके ही सामने। मैंने कहा खूब है, ठीक है, क्यों लेंगे? लेकिन जब आप कल आपने फिर जिस तरीके से बात की, मुझे लगा कि कोई है जो इस चीज़ को महसूस करता है। कि आपको कोई शिकायत है? खूब शिकायत है, जनता मुंह नहीं खोलती, हिम्मत नहीं है किसी की। आप ये सोचिए कि आपके घर के आगे सड़क बन रही है, उसके अंदर मानकों के अनुसार डामर, कंक्रीट, सीमेंट या बजरी जो मिक्स नहीं हो रहा है, आप उसको उसके लिए भी नहीं कहते। आपके बच्चे वहाँ से जाएंगे, आपके अगर घर में जानवर है तो वो भी शायद घूम सकते हैं, आपके बूढ़े माँ बाप गिर सकते। नो नेवर। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आप सुबह उठें, घर वालों को सुरक्षित देखें, शाम को खुद को सुरक्षित रखते हुए वापस घर लौटें। आपको किसी से कोई लड़ना नहीं, मर रहा है मर रहे। आपको क्यों लगता है कि जब इतने खामोश लोग हैं तो उनकी आवाज़ आपको बनना चाहिए? सर कुछ लोग जो होते हैं ना सर, अब मैं एक बात बताऊँ कि मैंने कुछ मुद्दे, उस कुछ लोगों में आप ही क्यों कुछ हैं? इसका पता तो मुझे भी नहीं पता, मेरे माँ बाप भी पूछते हैं कि तेरे पास इतनी सुख सुविधाएं है जो एक आम स्थिति में होनी चाहिए, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि सर देखिए, आपको पता है कहीं से 2500 रुपये अखबार से मिलते हैं महीने भर में, टीवी चैनल कहीं 5000 से जाते हैं, कभी स्टोरेज पे ऐसा कैलकुलेशन करके ऑफिस चलाने लायक 25-30-40 हज़ार रुपये होते हैं और घर को भी चला सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा संघर्ष है और अब इतना किसी में वो सहनशीलता नहीं है कि आप लंबे टाइम तक 1800 से शुरू करें और वहाँ तक पहुँचे। मुझे खुद को पता नहीं कि उनमें से वो मैं क्यों हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। आपने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बेस पे आप पे जो मुकदमा हुआ, आज जब बाड़मेर से बिहार तक की जब तारीख आती है, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तो उस तारीख पे जब जाते हैं तो सफ़र के दौरान क्या लगता है? रेल से जा नहीं सकता, डर लगता है कोई मार नहीं दे, क्योंकि आजकल तो बिहार में जो जेल, क्योंकि आपने कहा ना कि ऐसा क्यों लिखते हैं आप, तो लिखता हूँ इसलिए दुश्मन हज़ार। तो आपको लगता है कि आपके ऊपर कभी? बिल्कुल, मेरे ऊपर 5 मई 2018 को सर रायकॉन रोड पे मेरे पर हमला हुआ, पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया, मेरे पास मैंने पुलिस को स्क्रीनशॉट दिए। सलाखों के भीतर जब आप गए थे तो सलाखों के भीतर का कोई दर्द है, कोई वाकया आपको याद है? लोग बहुत परेशान हैं सर, मर रहे हैं, मैंने वहाँ जाके भी दुख ढूंढा सर, इतने हालात खराब है कि नरक जो होता है ना सर, जहाँ बैठते हो ना वहाँ आपकी गंदगी, खाते हो वहाँ गंदगी, जेल नहीं नरक, मतलब आप रह नहीं सकते सर, एक इंसान नहीं रह सकता सर आप, और इतना मच्छर काटते हैं, उमस, आदमी करे तो करे क्या। तो एक पत्रकार जब पूरा जेल घुमाया तो क्या उस जेल की दास्तां को कभी बयां करेंगे आप? मैं जिक्र करना चाहूँगा सर, बताएं। जब मैं पहले दिन वहाँ पहुँचा तो जो जिसको आमद कहते हैं वहाँ भी डाला गया मेरे को, और दूसरे दिन मुझे जैसे शिफ्ट किया तो तब तक अखबारों में काफ़ी वहाँ के जो छप चुका था कि भाई इस तरीके से हुआ है। जेलर जो वहाँ पे थे वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत है क्या, आप निर्दोष हैं और हमें बड़ा दुख हुआ जब सुने, कुछ मदद हो बताइए। मैंने सर कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक रजिस्टर दे दीजिए, एक पेन दे दीजिए। उसके बाद मैंने सर कोई 80-90 पन्ने जो भरे हैं, उम्मीद करता हूँ वो कभी किताब के रूप में भी आपके सामने लाऊँ। क्या लिखना चाहते हैं आप अपनी किताब में? मैं ये लिखना चाहता हूँ कि एक सच्चाई जो है, जब तक अपने प्रयास जो करती है उसको कुचलने के लिए किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा जाता है, और इस षड्यंत्र में कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के नाम उछलते हैं और वो कभी सफाई नहीं देते, इतने जिम्मेदार लोग। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उन जेलों में जाकर कहीं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उस पर कोई आवाज़ उठती है? कौन उठाए? वापस जाएंगे तो आप क्या हाल करेंगे अंदर? अगर आना जाना आपका वहाँ पे रेगुलर है तो आप बोल नहीं सकते। बाकी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि क्या पता ऐसे कर्म करते कभी वापस चले जाए, ठीक है, इसलिए कोई नहीं बोलता सर, किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा बोलना वो शुरू करते ना सर, तो वहाँ पे 40-40 फिट कहीं कहीं कीचड़ की है, ठीक है, अंदर कोई गिर जाए मर जाए, खुले मैन और
अंदर बॉल आती है उसमें स्मैक हुई भी सब कुछ। जेल में सारा कारोबार आप देखा है अपनी आंखों से? बिल्कुल, सिगरेट 150 रुपये मिलती, गांजा मिलता है आपको, ठीक है, जर्दा जिसको कहते हैं, वो सफ़ेदी और चूने को कहते हैं, और जर्दा तंबाकू, खैनी, सब कुछ, पिस्तौल तक। मेरे को कहा कि आपको चाहिए तो कभी बोलिएगा। एक आदमी आता तो कहता कि साहब फ़ोन पे बात करिए, तब बड़ा डर लगता है, यहाँ जेल में कौन कौन मेरे से बात करना चाहता है, और इसके पास फ़ोन क्या करता है, हर जगह फ़ोन पड़े हैं, नशे में लोग। आपके पास किसका फ़ोन आया था? पता ही नहीं, मैंने जेलर को शिकायत की, मैं अक्सर कोई अनजान आदमी है बात कहता है बात करो, मैं क्यों करूँ बात? आपको नहीं लग रहा था कि आप बिहार एक पराए प्रदेश में हैं, आप उसको मना करेंगे कि मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत हो जाए? नहीं, मेरे पास मेरे बैरक के जो कैदी थे वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, कि आप निर्दोष हैं, और मेरे लिए वो बड़ी VVIP सेवाएं, खाना, नमकीन, बिस्किट वो करते थे, कोशिश करते, लेकिन चूँकि थोड़ा सा उनका वो डिफरेंट था, इसलिए मैं नमकीन और ब्रेड के ऊपर मैंने चलाया, जेलर साहब ने दी मुझे। तो क्या लगता है कि वो जो जेल में जो लोग थे अब उनके कभी फ़ोन आते हैं? 2-3 लोगों का है, मुझे कहा कि भैया कैसे ना है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं कभी कभी लिखता हूँ कि लिट्टी चोखा खाएंगे बिहार में फंस जाएंगे। सोशली लेवल पर एक कंपेन चला जब आपको बिहार की जेल में ले जाया गया, तो यहाँ के पत्रकारों ने, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारों ने, TV के चैनलों ने, अखबारों ने काफ़ी कुछ लिखा आपके पक्ष में, आंदोलन हुए, लोगों ने ज्ञापन दिए, सब कुछ दिए, उसके बाद कोई ब्यूरोक्रेसी में या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिला इस पूरी फाइट? हाँ, मुझे अशोक गहलोत जो है वो IJ एयरपोर्ट दिल्ली पे मुलाकात की, उन्होंने फ़ोन किया था पहले, मेरे साथ थे उनके थ्रू, और कहा कि मैं राखी और मैं घर जाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे एयरपोर्ट में मिलूंगा। तो उन्होंने काफ़ी उम्मीद बधाई, पूरा काफ़ी वक्त दिया, आधा पौन घंटा तक बाहर खड़े रहे मेरे पास, बातचीत की, और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सत्ता में आए तो आपका निष्पक्ष जांच करवाएंगे, और उम्मीद करवाएंगे। अब उनकी सत्ता आ गई, उसके बाद आप मिले उनसे? हाँ, मेरी मुलाकात हुई उनसे, अभी हालिया दिनों में जब वो रामसर आए थे तब भी मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई। आपको कुछ याद दिलाया उन्होंने रामसर? बिल्कुल, मुझे उन्होंने कहा कि आप, मैंने OSD जो मेरे हैं उनको जाँच दे दिए, आपसे वो संपर्क करेंगे। और आपको लगता है कि आपको अगर गलत गिरफ्तारी हुई है तो उसमें जो लोग इसके पीछे जिनके इरादे गलत थे, ये सरकार उन पर कोई कार्रवाई कर पाएगी? उम्मीद तो सर रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ उम्मीद तो रखें, जब कोई हादसा होता है तो जब अंतिम क्षणों में होते तब भी दुआ करते हैं सर। क्या आपको ये तो नहीं लगता कि मेरा मुंसिफी, मेरा कातिल है, क्या वो मेरे हक में फैसला देगा, ये डाउट भी है कहीं? मुंसिफ जो उसने मुकर्रर की है सजा, तो सजा फैसला भी नहीं देगा।